हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आंवले का मुरब्बा कैसे बनता है। और ये आंवले का मुरब्बा सर्दियों में बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप आंवले लेते हो तो जनवरी से दिसंबर मंथ में क्या लो, क्योंकि इस समय आंवले देखते हो आप कितना फ्रेश और कितनी अच्छी क्वालिटी का आंवला है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमें आंवले का करना क्या है। सबसे पहले आंवले को हम इस फॉक की सहायता से सब में ऐसे हम कर लेंगे, ताकि जो हमारा जो शुगर का जो हम भी चीनी का पाक बनाते हैं वो इसमें अच्छे से मिल जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करें, सारे आंवले को लेकर उसमें इस फॉक की सहायता से ऐसे आप फॉक से सबके अंदर आप ऐसे ऐसे कर ले। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कैसे करना है। इस फोक की मदद से आप सभी में ऐसे घोप दे, ताकि ये जब भी हम चीनी के पाक में डालें तो ये अच्छे से मेल्ट हो पाए। देख रहे हैं, ऐसे ही सारे मुरब्बे को, जितने भी आंवले हैं सभी को हम फोक की सहायता से अच्छे से भोंक लेंगे और फिर हम इसको आंवले का मुरब्बा बनाएंगे। इसके बाद इसे हमें क्या करना है, इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, सारे जो जैसे हो गया आप देख रहे हैं कि कैसे फोक की मदद से हमने ऐसे किया है, सारे में देख रहे हैं इसको बारीक बारीक सारे में छिद्र हो गए हैं, ताकि एकदम देख रहे हैं। इसमें आपको मैं करके दिखा रही हूँ इसे कितनी मात्रा में इसके अंदर का जो जूस है वो निकल रहा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मेरे हाथ गीले हो गए इसके जूस से, देखिए कैसे निकल रहा है। इसे मैं क्या करूँगी, इसे 2 दिन तक फिटकरी के पानी में डालकर छोड़ देंगे। ये फिटकरी में डालने का कारण ये है फ्रेंड्स कि इसके जितने भी जो कस होते हैं आंवले जो आप खाते हैं तो करवा करवा अजीब लगता है, आप फिटकरी के पानी में जब भी इसे डालते हो तो सारे निकल जाते हैं कस। और जब आप इसकी मुरब्बा बनाओगे तो आपको बस मीठा स्वाद मिलेगा, इसके कड़वेपन का आपको अनुभव नहीं होगा। तो चलिए अब इस फोक की मदद से देख रहे हैं कि कैसे सब में कर रहे हैं। अब इसे हम फिटकरी के पानी में डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी आंवले को अच्छे से फोक की मदद से इसे गोद लिया है। अब क्या करेंगे, हम ये पानी लिया है हमने, अब इस पानी में क्या करना है, हमें फिटकरी डालना है। फिटकरी पानी में डालेंगे सबसे पहले, ये देखिए फिटकरी है तो पानी में डाल दिए। अब इसके बाद बारी बारी करके सारे आंवले को हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे, ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए और जितना भी इसका कस है वो सभी फिटकरी की मदद से ख़त्म हो जाएगी। फिटकरी को डालने का सबसे बड़ा कारण ये है कि फिटकरी इसके अंदर का जितना भी कड़वापन होता है, देखिए ये सभी ख़त्म कर देता है और आंवला का मुरब्बा बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। देखिए कैसे डाल रहे हैं हम बारी बारी से सारे को, आप इसमें डालकर आप चाहे तो 1 दिनों के लिए भी, लेकिन मैं इसमें ये आंवले भरे भरे हैं इसको 2 दिनों तक पानी में रखकर छोड़ दूंगी। जो हमने फिटकरी के पानी में आंवले रखे थे वो पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब इसे मैं क्या करूंगी, इसे बारी बारी से निकाल कर मैं इसे धूप में रख दूंगी सूखने के लिए, ताकि जो भी इसके अंदर पानी और फिटकरी का जो अंश गया है वो सारे ख़त्म हो जाए और हमें जब मुरब्बा बनाए तो फिटकरी का स्वाद ना आए। इसे आप 2-3 घंटे के लिए धूप में रख देना। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आंवला है ये धूप में पूरी तरह सूख के तैयार हो गया है। अब इसे हम चीनी का चाशनी बनाकर आंवले का मुरब्बा बनाएंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आप एक कढ़ाई ले लें। कढ़ाई लेने में आप एक सावधानी बरतें कि आप लोहे की कढ़ाई ना लें। अगर आप लोहे की कढ़ाई लेते हो तो आपका जो आंवला है ये काला पड़ जाएगा और अच्छे टेस्ट भी नहीं आ पाएंगे। तो देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है, अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने देखे कि आंवला मैंने 1 kg लिया है, 1 kg आंवला है तो इसकी क्वान्टिटी हमें 1 kg चीनी ही डालना है। ये देखिए 1 kg चीनी मैंने रखा है चाशनी बनाने के लिए। अब मैं क्या करती हूँ, कढ़ाई है, ये कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें मैं अब चीनी डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने चीनी डाल दिया है, आपको करना क्या, जैसे 1 kg चीनी मैंने डाला है तो आपको 1 लीटर पानी डालना होगा, ठीक है।
आप 1 लीटर पानी इसमें डालें, क्योंकि 1 लीटर चीनी है, तो आप 1 लीटर पानी डाल दें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चीनी में पानी डाल लिया है। ये पाक बनकर तब तक तैयार होता है, तब तक हम क्या करते हैं, ये इलायची है, इस इलायची को हम पीस कर पाउडर बना लेते हैं, ताकि जो भी हम चाशनी बना रहे हैं उसमें अच्छी टेस्ट आ पाए। ठीक है, देखिए जब तक चाशनी तैयार हो रही है, तब तक चलिए इसका हम पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो इलायची थी उसका पाउडर बना लिया है, और इसको हम क्या करेंगे, अपने चाशनी में डाल देंगे। ओके, मैंने थोड़ी सी काली नमक ली है, ये काला नमक हम इसमें डाल देंगे। देखिए चाशनी में मैं डाल रही हूँ, काला नमक डालने से क्या होगा, अच्छी टेस्ट आएगी। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए चाशनी बन रही है, अब मुझे क्या करना है, आंवले को हम उबालेंगे नहीं, बिना उबाले क्या करेंगे, हम डायरेक्ट चाशनी में डाल देते हैं। ये उबाल इसी में आ जाएगी और आंवला हमारा पक जाएगा। ऐसे बारी बारी से हम, ये देखिए सारे आंवले हम चाशनी में डाल रहे हैं, ये इसी में उबाल आने तक पक जाएगा। ओके, हमारा जो चाशनी है वो बन के तैयार है, और हमारा जो आंवला है इसमें ये रहा मुरब्बे के लिए तैयार। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 तार की चाशनी, हमारे बन के तैयार है, और हमारा जो ये मुरब्बा है ये पूरी तरह से बन चुका है। देखिए ये आंवले का मुरब्बा बन के तैयार है। पूरी तरह से बन चुके हैं, इसे मैं क्या करूँगी, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दूँगी। इसके बाद आपकी जब मर्जी हो लेके खाए। ये देखिए कितने आसानी से मैंने ये आंवले का मुरब्बा बनाया, आप भी बनाए और हमें कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैंने एयर टाइट कंटेनर में आंवले के मुरब्बे को रख दिया और ये कितना अच्छा लग रहा है, और इसका टेस्ट मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स आपको, इतना लाजवाब है। आप एक बार जल्दी से ट्राई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।